वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी जो है सुबह के हो गए हैं 9:45 और आज कौन सा दिन है, आज है ट्यूसडे है और सुबह के 9:45 हो गए हैं। आज से शुरुआत करते हैं फिर से अपनी बैक टू जो नॉर्मल लाइफ हमारी हो गई है उसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, पानी वगैरह आने का टाइम होता है, तो सबसे पहले अपने काम निपटा लेते हैं। मैंने सोचा व्लॉग की जो शुरुआत है वो भी कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी उर्वी को नहलाएंगे और बाकी के जो काम है वो भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़े देर। दोपहर के ना 1:15 हो गए, ऐसे ही बस इधर उधर घूमते फिरते ऐसे। तो अभी मैंने और भी खाना खिला दिया है और लंच के लिए मैं बनाऊंगी दाल और चावल। अरहर की दाल यहाँ पे कुकर में तो मैंने बॉईल कर दी है। बस मुझे क्या करना है, अब इसमें तड़का लगेगा तो वो तड़का जो है हम अभी लगाएंगे, लेकिन मेन काम होता है उर्वी का पेट भर जाए बस, फिर और कुछ नहीं चाहिए। तो ये कपड़े पड़े हैं यहाँ पे जो मैंने धोए हैं, कुछ बाहर स्टैंड पे पड़े हुए हैं उर्वी के पोटी वाले कपड़े हैं वो धोने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी करनी है, पेंडिंग है। और ये वाला बेड तो मैंने अभी तक वो भी नहीं किया है, बस मैं फ़ोन पे जैसे ब्लॉग करने आती हूँ इस तरफ को आती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तो दूसरा वाला रूम है वो तो मैंने फटाफट से कर दिया है। अब ये वाला जो रूम है इसमें भी थोड़ा सा जो है मैजिक का तड़का देती हूँ अपना, है ना। जो है मैं रेडी हो गई हूँ और पीछे आपको माता रानी दिख रही है मेरी, वहाँ पे बेड पे खड़ी हुई है। देखो आवाज़ सुनेगी ना, आवाज आएगी। देखो ये देखो, इसकी मैंने चोटियाँ की थी इतनी प्यारी, वो इसने खो दी। अभी 1:30 बज गए, थोड़ी देर में आदित्य भी आ जाएगा। हाँ, अब लगी नींद, जब मैं सुनाती रही तब सोई नहीं। और मैं दाल में तड़का लगाती हूँ, चावल बना कर रख देती हूँ क्योंकि मैं तो आदित्य के साथ ही खाती हूँ जब वो आता है। क्योंकि अरहर की दाल बन रही तो मैं सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च जो इतनी तेज़ नहीं है इसलिए एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। बाकी 4-5 लहसुन की बूंदियाँ जो है वो मैंने चॉप कर लिया, बस इसका जीरा धनिया और बस यही तड़का लगाऊंगी। बाकी नमक और हल्दी तो डली है, हींग भी डालूंगी, बस यही तड़का लगाऊंगी। और हाँ एक बात, इसमें जो है मैं लगाऊंगी देसी घी का तड़का, तो देसी घी का भी टेस्ट आ जाएगा और जो सिंपल होगी वो, जैसे इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं डाल रहे तो जो टेस्ट है आधे से ज़्यादा वो देसी घी ही दे देगा, तो इसको इतना काफ़ी होगा। ये आप लोगों को घी ज़्यादा ही लग रहा होगा पर ज़्यादा घी है भाई, घी में हम कोई कंजूसी नहीं करते। मुझे घी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी घी बहुत ज़्यादा पसंद है और नीरज उतना ज़्यादा घी खाते नहीं है, तो ये जो दाल है ये अगर उनको खानी होगी तो थोड़ी सी ले लेंगे, बाकी हम तो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। तो ये गया थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और अब हम ऐड करेंगे ये दोनों चीजें। ये देखिए अभी से घी की जो खुशबू है ना, जब लहसुन भूनता है ना घी में कि जो खुशबू आती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये रही दाल, थोड़ी सी पानी सूख गया है क्योंकि, और इसमें हल्दी और नमक मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो मैं अभी फिलहाल कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। क्या क्या हुआ? लो जी अरहर की दाल को जो है तड़का लग गया है और ये दाल हमारी, इसमें थोड़ा सा पानी नहीं रहने देती,
थोड़ी गाड़ी रखती हूँ ताकि हमारी यकीन दिन में ही खत्म हो जाए। ये देखो इस तरीके से होती है मेरी वीडियो शूट, बैक कैमरा, कैमरा के पीछे ये हो रहा होता है। बता क्यों नहीं बताया अरु, क्यों नहीं बताया? और लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही अजीब जैसी लगा लिया मैंने, इसको मैं भी चेंज कर दूंगी। अरु क्यों नहीं बताया? हाय कर दो। गिंची पिची गिंची पिची गिंची पिची गिंची पिची गिंची पिची गिंची पिची हाय कर दो। छोरी भी बोल दो सबको। नहीं नो 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 पता नहीं अभी ध्यान का है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के जो है 7 बज गए हैं और अब जाके हम सो के उठे मैं और उर्वी। ऐसी खतरनाक नींद आई क्योंकि दिन में जो बारिश शुरू हुई ना, जब आदित आया, बल्कि आदित को लेने मैं बाहर गई थी गेट तक, दोनों लड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ना मेरे कपड़े इतने ज़्यादा भीग गए थे, जो मैंने लेगिंग पहनी थी तो पूरी मेरी गीली हो गई थी, कितनी तेज़ बारिश थी, 2 मिनट के अंदर अंदर इतना भीगने वाली नौबत आ गई, इतनी बारिश थी। तो अभी दूध गर्म कर रही हूँ, इसको आदित को दूध दूंगी पीने के लिए। ये तो सोया नहीं था बट मैं और उर्वी सोई, क्योंकि आज सुबह भी नहीं सोई थी। तो बस अभी करते हैं खाना बनाने की तैयारी। गोभी पड़ी है, गोभी ली थी मैंने कल, तो आज आलू गोभी बनाते हैं। कल ना मैंने ये वाली भिंडी बनाई थी, ये सब्जी वाले अंकल 1 किलो से ज़्यादा दे के चले गए थे, तो ये वाली भिंडी लाल वाली जो है ये मैंने कल बनाई थी, टेस्टी बनती है। बट ये है कि रोज़ रोज़ भिंडी भी खाने का मन नहीं करता है, तो आज गोभी बनाएंगे। और तेल के बर्तन वर्तन सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं धोने के लिए, क्योंकि ऊट भी सुबह नहीं सोई थी, दिन में मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, मैं सोचा इसको भी सुला देती हूँ और खुद भी सो जाती हूँ, है ना, रोज़ रोज़ वही काम वही सब कुछ, कभी कभी रेस्ट भी कर लेना चाहिए। तो गोभी को जो है मैंने ऐसे पानी में डाल के रख दिया, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और गोभी में कीड़े ज़्यादा निकल ही आते हैं, तो इसमें वैसे चेक किया था मैंने, थे तो नहीं, बट स्टिल मैंने ना इसको थोड़े गुनगुने से पानी में थोड़ी देर के लिए ऐसे डुबो के रख दिया है। तो अभी मैं सारे काम मतलब चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैंने कुछ शॉपिंग की है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ एज यूजुअल, ताकि आप लोग भी उसी तरीके की चीज़ें जो आपको पसंद आती हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा लिंक मांगते रहते हो, तो जिन जिन चीज़ों के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। तो वैसे तो जो नॉर्मल पेंसिल्स आती है ना उनसे अगर आप आईब्रो की शेप देते हो तो वो बिल्कुल दिखती रहती है, लेकिन ये वाला ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये जैसे हमारी आईब्रोज होती है उस तरीके की शेप आप प्रॉपरली इसमें क्रिएट कर सकते हो। साथ ही में ये जो है थोड़ा ब्राउन कलर का है और बहुत ही लाइट सा इसका जो कलर है वो है, तो बहुत ही नेचुरल लगेगी आपकी जो आईब्रोज है वो। और यहाँ पे जो है इसके साथ करेक्टर भी है, तो आप अपनी आईब्रो को पहले अच्छे से जैसे भी आपको शेप देनी है आप इससे दे सकते हैं। तो ये देखिए ब्लू हेवन का ये है ब्रो परफेक्ट आईब्रो एनहांसर। तो इससे आपकी जो आईब्रोज है अगर पतली है तो अच्छी तरह से आप उसको एक लुक दे सकते हैं। इसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट जो मंगवाया है ये है कि अभी यूज़ नहीं होने वाला है, होगा सर्दियों में यूज़, या फिर जो हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो जाएगी तब भी यूज़ हो जाएगा। तो रुकिए मैं ज़रा दिखाती हूँ, क्योंकि ये पूरा सेट है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कार्डिगन वाला सेट है, इस तरीके का इसमें जो है कुछ वर्क हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्लीव्स पे भी। तो आपको पता है कि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत होती हैं और हर जगह ही जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता वहाँ पे भी जाड़ा बहुत बुरे तरीके का पड़ता है, तो ठंड तो होती ही होती है। तो सॉरी फैन चल रहा था तो उसकी आवाज़ जो है वो आप लोगों को। तो ये ज़िपर उसमें है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें है ज़िप, तो बहुत ही कंफर्टेबल ज़िपर के साथ है, तो काफ़ी अच्छी लेंथ में भी है। और ये रहा इसके साथ इसका ये पजामा, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये बांधने के लिए भी है इसमें, साथ ही साथ ये यूँ कहूँ कि पूरा इलास्टिकेटेड तो नहीं है पर अच्छे कम्फर्टेबल वाले उसमें है। तो ये देखिए, तो इस बार की जो सर्दी है ना वो अच्छे से कटने वाली है, ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो ये है, और ये मैंने एल साइज मंगवाया है, आप अपने हिसाब से अपना जो साइज़ है उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते क्या है, नेक्स्ट आइटम है ये नाइट सूट। आपको पता है कि नाइट सूट का जो क्रेज़ है मुझे तो बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत पसंद है नाइट सूट्स, तो अभी मैंने एक नाइट सूट मंगवाया है, लेकिन भाई साहब इसका जो स्टफ़ है ना बेहतरीन, जिसको बोलते हैं बेहतरीन,
बहुत ही अच्छे स्टफ में, थोड़ा इस तरीके से कुछ वाइट से कलर में। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये हाफ स्लीव्स में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि जो नेक सूट है वो हाफ स्लीव में होना चाहिए। मैंने अक्सर वाइट फुल स्लीव में दिखाया, वाइट नहीं फुल स्लीव्स में दिखाया, तो ये हाफ स्लीव्स है। और ये रहा इसका पजामा, और बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ में, आजकल बरसातों में भी अच्छा चल जाएगा और जब हल्की फुल्की सर्दियाँ होती है तो भी अच्छा चल जाएगा। तो ये इलास्टिकेटेड है एंड ये एल साइज है, मैंने एल साइज मंगवाया है। पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक्सल साइज मंगवाती हूँ, बट अभी मैं एल साइज मंगवा रही हूँ और एल साइज मुझे परफेक्टली जो है फिट आ रहा है। उसके बाद मैंने ये लेगिंग मंगवाई है लायरा की, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये फ्री साइज लेगिंग है और ये है मरून कलर, मुझे मरून कलर की लेगिंग चाहिए थी। वैसे तो इस कुर्ते के लिए चाहिए थी, पर अभी और भी मेरे पास कुर्ते हैं उस पर भी लग जाएगी। तो ये देखिए, ये रही लेगिंग कुछ इस तरीके की, और जो ये लायरा की आती है ना, इनके स्टफ बहुत अच्छे होते हैं। तो ये फ्री साइज है, तो ये रही लेगिंग अच्छे से कलर के साथ। और इसके बाद एक लास्ट चीज जो मैंने मंगवाई है वो है ये कुर्ता, जो कि है बीबा का, और बहुत अच्छा स्टफ है कुर्ते का और कलर भी बहुत खूबसूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो ये लेगिंग इसके साथ भी चल जाएगी, बट थोड़ी सी डार्क है तो इसके साथ कोई और कलर भी लग जाएगा। लेकिन इसका ना मैं आपको बताती हूँ, इस कुर्ते में सबसे पहले तो बात करते हैं इसके गले की। तो ये देखो इस तरीके से ये बैंड पट्टी में मिल जाता है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें हल्का सा कट है, साथ ही साथ यहाँ पे इस तरीके से ये देखो हुक्स लगी हुई हैं। तो आप इसको अगर सिर से नहीं जा रहा है तो इस तरीके से हुक्स जो है इसकी ओपन कर सकते हैं। डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा जो इस पर वर्क हुआ है। अब बात करते हैं इसकी स्लीव्स की, जो मुझे बहुत पसंद आई है। यूजुअली क्या होता है कि स्लीव्स जो है ऐसा लगता है कि यहीं से शुरू है, पर नहीं, इसकी एक्चुअल स्लीव्स यहाँ से वो बलून टाइप की जो स्लीव्स आती है ना, वो तो पहन के बहुत ही अच्छी लग रही है। और आगे से इस तरीके का है, थोड़ा सा हल्का सा लूज रहेगा लेकिन अच्छा लग रहा है। जब मैंने पहन के देखा था ये तो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। तो एक ये है, और इसका कपड़ा भी मैं बताऊँ, थोड़ा सा ना सर्दियों टाइप वाला कपड़ा है। मैंने बरसात के पर्पज़ से मंगवाए हैं ये कपड़े, क्योंकि बरसात में होता हल्की फुल्की ठंड यहाँ पे हो जाती है। बात करते हैं इसके पल्ले की, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो साइड वाला है, यहाँ से भी इसमें वर्क है, ये पट्टी लगी है, और ये देखिए पल्ले पे भी, तो आगे और पिछले वाले पल्ले दोनों पे इस पे ये वर्क हुआ है। तो ये थी मेरी कुछ शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से की है। आप भी इनमें से जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि 23 और 24 जुलाई को जो है प्राइम डे सेल है, तो उसका फ़ायदा उठाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे खासे डिस्काउंट जो है आपको सब चीज़ों पे मिलने वाले हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी प्रोडक्ट आपको इसमें से पसंद आता है बाय कर लीजिए। आई हूँ मेरी परी, ब्राउनी मिलती है मुझे डॉगी। ये छोटी है सी, कर रही है उसके मुंह में आधा है। हाँ तू बेटा अपने पारू, तू घूमी करके आया है कुत्ते को ऐसे पकड़ पकड़ के? तू डॉगी को पकड़ता है गंदे। चलो हैंड वॉश करो, आ जाओ चल के गई है, उतरते हुए ऐसी भागती है, ऐसे ब्रेक लगा लगा के चलती है। जो हैंड वॉश करो पापा साथ। मैं नहीं, मैं नहीं। मेरे को तो आजकल ऐसे कर दिया, मारो मारा। अभी जो है रात के बज गए हैं 12:45। थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उर्वी जो है परे नीरज के पास सो रही है, आदित्य भी उन्हीं के पास है, तो वो काफ़ी पहले सो गई थी उन्हीं के पास। फिर मैंने सोचा कि अभी उठा के लाऊंगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, इससे अच्छा जब नींद में जब उठेगी तो फिर वो खुद मेरे पास छोड़ देंगे। और मैं यहाँ पर अभी अकेली बैठी हूँ और खाना वाना खा के किचन क्लीन कर गई। मैं 11:15 फ्री हुई थी क्योंकि आज बहुत सारे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन सारे थे, जैसे कुकर, कढ़ाई, दो कुकर, मतलब इस तरीके से बड़े बड़े वाले बर्तन हैं वो धोने के लिए थे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खाना भी हम लोगों ने 10:30 करीब कुछ ऐसे ही खाया था। और ये उर्वी की डॉल यहाँ पे बैठी हुई है, और अब मैं अपने हाथों में कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊँगी क्योंकि बहुत ना ड्राई से हो जाते हैं बर्तन धोने के बाद, खासकर हाथ, और उसके बाद सो जाऊंगी। नींद भी है आंखों में और
थकान भी लग रही है अब तो, क्योंकि 12 बज गए, सोने का टाइम हो गया, सारी दुनिया सो रही है, और दुनिया तो नहीं मतलब यहाँ के आसपास के लोग सभी सो रहे हैं, बस मैं जागी हुई हूँ। तो ये जो वीडियो है इसको भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा है लेकिन इतना ही बनाया है। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।